हाँ जी दोस्तों, मित्रों, प्यारे हो, अज साडा देश दोस्तों उत्थे ही खड़ा है जिथे 1947 ते खड़ा सी। आप सारे जानते हैं 1947 दे विच की होया। धर्म के नाते सानू पाड़ के साडे विच वंडियां कीतियां गईयां, बंटवारा होया, पाकिस्तान बनिया। ये बंटवारा देश का नहीं होया बल्कि पंजाब का होया, पंजाबियों का होया। यह तद भी बंटवारा हिंदू मुसलमान या सिखा का नहीं सी, इन बनाया गया। किन्हां ने बनाया? जिन्हां की अख कुर्सी के उत्ते सी। जेड़ा कुर्सी नू प्यार करता है उहदा निशाना सिर्फ कुर्सी है, उहदा कोई धर्म नहीं। जेड़े लोग लगे सी कि कुर्सी ते कौन बहेगा, उस तरीके दे नाल उह अपनी प्लैनिंग कर रहे सी। अज साडी हैरानी की गल यह है कि जिस तरीके नाल सानू धार्मिक तौर पर पाड़ के अंग्रेज राज करते रहे ते देश की वंड हो के कांग्रेस ने राज किया, धार्मिक भावनाओं को भड़का के, तो दोस्तों अज भी देश उत्थे ही खड़ा है। अज भी असी और कुर्सी वालिया का एक ही धर्म है कि कुर्सी प्राप्त किस तरह करनी है। अज तुसी देखो जिहड़ा नागरिकता का बिल आया, अज फिर इलैक्शन कंडे ते आ, फरवरी की इलैक्शन आ, हिंदू मुसलमानों को भड़का के विकास के मुद्दों तो लंबे हो गए। लेकिन जदों भी कोई यह गल एक हिंदू वीर करेगा तो मुसलमान भड़कणगे कि शायद हिंदू हिंदुत्व की गल करे। अगर यह गल मुसलमान करेगा तो लोग कहणगे शायद मुसलमान अपनी गल करेगा। जे कोई मोदी दे उल्ट गल करता है जां मोदी दे कहे बयान नूं कुछ कहना चाह रहा है तो लोग कह रहे शायद मोदी जी दे उल्ट हो रहे। इस चीज़ां तों सानूं दोस्तों निकलना पड़ेगा। अज कई बार आप बहने तो जो ये बयान आता आ तो हिंदुआ वीर की लगता है कि सानू खतरा है। मैं एक छोटी जी गल कहना चाहना, जेडे सच्चे हिंदू ने वो इस गल नू बहुत वधिया तरीके समझते हैं। हमेशा खतरा घट गिनती हुंदा है कि वध गिनती हुंदा है? हिंदू वीर बहु गिनती च उन्होंने की सिख घट कौम चा उन्होंने भी खतरा नहीं है, क्योंकि कोई कौम किसी को ख़त्म नहीं कर सकती, खास करके वो कौम जिहड़ी कौम शहीदां दे सिर ते खड़ी होए, अपनी शहादतां कुरबानियां दे सिर ते खड़ी होए। कई बार देखने को मिले हिंदू वीर कहिंदे कड्डो मुसलमानां नूं बाहर, ये बहुत माड़े ने, इन्हां माड़ा काम किया। तो मैं उन्होंने इक्को गल कहना तो फिर आपां ते औरंगजेब हो गए ना। औरंगजेब भी तो यही कहिंदा सी कड्डो सारे धर्मां नूं बाहर, हिंदुआं नूं बाहर, ऐ सारी दुनिया ते। औरंगजेब तो शक्तिशाली कोई राजा नहीं हो सकता सी, मुगलों तो पठाना तो जिन्हां ने हजार साल दोस्तों देश से दुनिया से राज किया, वो सारे कट्ठे हो के तो अज उहो ही दिन चलते आ कि जिन्हां दे विरुद्ध जुल्म दे विरुद्ध गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े, एक पासे 10 लाख की फौज और दूजे पासे केवल 40 सिंह। 40 सिंघां के दिमाग च चीज़ नहीं आई कि सानू खतरा आया ही घट गिनती चा, उन्होंने 10 लाख की फौज को पछाड़ दिता। अज उन्हां इतिहास के दौर के असी निकलते पे हाँ, उस ही इतिहासक दौर की लड़ी के मैं गल तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा वा। इहनू सिर्फ माइंड ना करना पर माइंड च रखना जरूर, इहदे ते विचार करना, कमेंट देना पर प्यार नाल, तरीके नाल, तां कि आपां नूं इक दूजे नूं ब्लॉक ना करना पवे। तो ऐ ना कहना पवे कि मोदी जी के खिलाफ गल हो रही है, भाजपा के खिलाफ गल हो रही है, तो कांग्रेस का बंदा होएगा जां कांग्रेस ही कोई बंदा गल करता है तो आपां चीज़ लगती है कि शायद वह पार्टी पज के गल। मैं पहले कह चुकिया कि पार्टियां वालों का कुर्सियां वालों का कोई धर्म नहीं, उन्हां दा एक ही धर्म है कुर्सी कितना हथियानी आ उन्होंने। तो हर बंदे की वोट चाहिए है, चाहे वह किसी धर्म च होए, चाहे वह चोर होए, चाहे वह ठग होए। तो दोस्तों मैं अपने विषय पर आना वा, कई बार बैठे जब यह गल आती है कट्टो बार मुसलमानों, तो मैं उन्होंने एको गल कहना वा दोस्तों, पीर बुद्धू शाह जी कौन सी जिन्होंने मुस्लिम राज दे विच गुरु गोबिंद सिंह का साथ दिता अपने चार पुत्रों के नाल, क्योंकि वह समझ रहे थे। जोगी अल्लाह यार खान कौन सी, बाबा फरीद जी कौन सी, और होर तो होर छड्डो लेटेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि दूर की गल तो आपां भुलन की आदत है ना, अब्दुल कलाम जी कौन सी जिन्होंने सुपर पावर इंडिया को बनाया। इस तरह ही जदों आप सिखां दे विच बहने आ तो कई बार कहिंदे आ जी नहीं जी हिंदुआं तो सानू खतरा है,
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਉ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਗਏ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੜ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।